UCC हमारे भारत में देखिए समान नागरिक संहिता किसी राज्य में लागू कर दिया गया है, वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। अब समान नागरिक संहिता क्या है, इसे इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, मैं फिर से आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि जब से ये अधिनियम लागू किया गया उत्तराखंड में उसका प्रभाव आप लोग को तो पता ही है। लेकिन समान नागरिक संहिता जो है हमारे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऐसा नियम बनाया है कि हमारे भारत के जितने नागरिक हैं उनके उनके लिए समान कानून नियम बनाए गए हैं। किसी भी जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, समुदाय के, कोई भी वर्ग के लोग हैं, सबको एक नियम कानून के अनुसार उनको अधिकार दिया गया है। उदाहरण के तौर पर जो हमारे राज्य उत्तराखंड में जो विधेयक के द्वारा पारित किया गया है, उस अधिनियम में 392 सेक्शंस हैं जिसमें से महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा अधिकार दिया गया है। महिलाओं को जो इसके 392 सेक्शंस में से 328 सेक्शंस सिर्फ महिलाओं के अधिकार की ही बात की गई, महिलाओं को अधिकार के साथ उनको संरक्षण भी प्रदान किया गया। इस विधेयक को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है विवाह से संबंधित अधिकार है, नियम कानून बनाए गए विवाह। सेकेंड जो दूसरा खंड बना हुआ है, दूसरा पार्ट है जो है विवाह विच्छेदन से संबंधित, उसमें प्रोविजन दिए गए हैं। थर्ड आपका उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए। चौथा जो है सहवासी, जो वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप, जो हमारा एक नया मुद्दा आया है लिव इन रिलेशन पर, अभी तक कोई नियम कानून नहीं बना था लेकिन हमारे जो समान नागरिक संहिता में लिव इन रिलेशन से संबंधित भी इसमें नियम कानून बनाए गए हैं। और लागू होने के बाद इसमें धार्मिक स्वतंत्रता पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इसमें कानून बना दिए गए हैं महिलाओं से संबंधित, बहुत नए ऐसे कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं को एक नया अधिकार दिया गया। UCC के बाद महिलाओं को नए अधिकार दिए गए हैं, वो कौन से अधिकार हैं मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। वो अधिकार पहला है महिलाओं के विवाह की उम्र का अधिकार। अगर महिला की उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई, ये पहले भी था, और पुरुष की 21 वर्ष पूरी हो गई है, तो चाहे किसी भी धर्म की महिला, अभी मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिला था, 18 वर्ष के बाद ही उनका विवाह हो सकता है, ये बहुत ही बड़ा अधिकार दिया गया है। दूसरा है बाल विवाह को अमान्य कर दिया गया है। मुस्लिम संप्रदाय में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह हो जाता था, बाल विवाह पहले भी था, लेकिन समान नागरिक संहिता के द्वारा अगर कोई बाल विवाह करता है तो वहाँ पर उसको दंड का भी प्रावधान दिया गया है। और थर्ड आपका जो महिलाओं को तीसरा अधिकार जो है बहुविवाह, अगर एक व्यक्ति एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकता, बहुविवाह को चाहे मुस्लिम संप्रदाय, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसको भी बहुविवाह को समाप्त कर दिया। हर वक्त के जितने भी पर्सनल लॉ थे उनके अनुसार वो अगर विवाह करते हैं तो वो अमान्य है, क्योंकि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो गया है, तो वहाँ पर ये लागू होने के बाद यह संहिता के द्वारा ही नियम कानून चलाए जा रहे हैं। अब विवाह के द्वारा अगर कोई भी पक्षकार अगर उसका हस्तक्षेप करता है तो उसको भी दंड का प्रावधान, चाहे सगे संबंधी कुछ है, और इसमें आया है कोई सगे संबंधी अगर ब्लड रिलेशन में विवाह नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ मुस्लिम्स में होते हैं कि उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग जो उनका पर्सनल लॉ में बताया गया था कि आपस में ब्लड रिलेशन को छोड़ के विवाह कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, आप विवाह कर सकते हैं। और एक दूसरा पांचवा आपको महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है विवाह पंजीकरण का अधिकार। विवाह के पश्चात पंजीकरण होना अनिवार्य है, इसकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, 6 महीने के अंदर आपको जो है विवाह के पश्चात पंजीकरण कराना आवश्यक है। अगर आप नहीं करते हैं तो इसके लिए दंड का भी प्रावधान दिया गया है। विवाह करने के बाद पंजीकरण नहीं कराते हैं तो 3 माह और जो है 25,000 रुपीज़ दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है तलाक का अधिकार। अभी तक तलाक पुरुष ही देते थे महिलाओं को, चाहे कोई भी धर्म के, संप्रदाय के, जनजाति समूह के कोई भी व्यक्ति था, तो महिला पुरुष को तलाक का बराबरी का अधिकार दिया गया है। महिला भी तलाक विवाह विच्छेदन ले कर सकती है। विवाह विच्छेदन के लिए लंबित अगर कोई केस चल रहा है, विवाह विच्छेदन का केस बहुत दिन तक चल रहा है,
तो महिला को भरण पोषण दिया जाएगा, उनके बच्चे को भरण पोषण दिया जाएगा। न्यायालय को ये अधिकार है, न्यायालय अपनी शक्ति के अनुसार अगर विवाह विच्छेदन का बहुत दिन तक केस चल रहा है तो उसको भरण पोषण भी दिया जाएगा। विवाह विच्छेदन चाहे वो भरण पोषण का केस ना करे तब पर भी अगर विवाह विच्छेदन का केस चल रहा है, तलाक का केस चल रहा है, तो उसको वहाँ पर जो है भरण पोषण, उसके बच्चे को भरण पोषण दिया जाएगा। नेक्स्ट, उसको महिलाओं को सेवेंथ राइट्स, उत्तराधिकार। अगर कोई भी महिला संपत्ति में पुरुष महिला को बराबर की संपत्ति का अधिकार दिया गया है, ये ही बहुत ही, तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार, लेकिन समान नागरिक संहिता में भी स्पष्ट कर दिया गया है, एक अगर चाहे ससुराल में वो रहती हो या मायके में रहती हो, कहीं भी वो रह रही है, उसको संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया जाएगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार, लेकिन यहाँ पे समान नागरिक संहिता में कहा गया है कि महिला पुरुष किसी को भी, अब बेटियाँ ही नहीं, महिला पुरुष चाहे वो ससुराल में है या मायके में है, तो उनको संपत्ति का बराबर का अधिकार दिया जाएगा। अब महिलाओं को नेक्स्ट जो नया अधिकार दिया गया, लिविंग रिलेशनशिप। लिविंग रिलेशन में कभी कोई नियम कानून नहीं बनाया गया था, लिविंग रिलेशन में अगर कोई महिला रहती है उसको भी एक अधिकार दिया गया है, उनसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको पूरी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया जाएगा, उस महिला के बच्चे की संपत्ति को पूरा अधिकार संपत्ति का दिया गया है। अब नेक्स्ट आपकी महिला को जो नौवा अधिकार दिया गया है, नौवा अधिकार ये दिया गया अगर कोई भी महिला जो है लिविंग रिलेशनशिप में किसी के साथ है और उसने मना कर दिया शादी करने से, तो शादी करने से मना कर दिया है, वो कंप्लेन कर सकती है। लिविंग रिलेशनशिप जिस दिन से रह रहे हैं उनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, तो महिलाएँ अगर कोई रह रही है किसी के साथ, वो उनसे कह के रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात ही लिविंग रिलेशन में रहें, जिससे उनको बहुत सारे अधिकार दिए जा सकते हैं। अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में पंजीकरण जिस राज्य में लागू किया गया, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के निवासी कहीं और गए हैं, अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उत्तराखंड में उनका पंजीकरण होना आवश्यक है, नहीं तो उनके बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनकी बंद कर दी जाएगी। लिविंग रिलेशनशिप में किसी पुरुष के साथ अगर रहती है, अगर पुरुष ने जानबूझ के पंजीकरण नहीं कराया, ये महिला को एक अलग से अधिकार दिया गया है, तो पुरुष को दंडित किया जाएगा, ठीक है। ये महिला का ये दसवां अधिकार दिया गया है। ग्यारहवां महिला को जो यूसीसी के बाद का अधिकार दिया गया है कि भरण पोषण का अधिकार, अगर लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं, उसने देने से पंजीकरण नहीं कराया था लिविंग रिलेशन में रहने के दौरान और उसके कहने पे भी नहीं कराया, तो जो मेल होगा उसको भरण पोषण देगा। अगर उसने न्यायालय में कंप्लेन कर दी है या कहीं कंप्लेन कर दी है तो न्यायालय उसको भरण पोषण उससे दिला सकती है, वो न्यायालय से भरण पोषण ले सकती है। बारहवां जो महिला को अधिकार दिया गया है, वसीयत का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपनी संपदा का वसीयत कर सकता है, कोई भी महिला अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टी है तो उसको पूरा अधिकार है, वो अपनी संपत्ति का वसीयत कर सकती है। किसी को जो है भरण पोषण का अधिकार वो ले सकती है, वसीयत में आपकी सिविल केस के द्वारा भरण पोषण भी ले सकती, चाहे लिविंग रिलेशनशिप में हो या किसी अन्य विवाह विच्छेदन में भी उसको भरण पोषण दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको जो है महिलाओं को उत्तराधिकार भी माना गया है, विवाह के पश्चात अगर वो विवाह के पश्चात अपने ससुराल में जा रही हैं तो वो भी उत्तराधिकारी हैं, जितना उनका पति को उस संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया है, तो उस महिला को भी अगर वो विवाहित है तो उसको भी उत्तराधिकारी माना गया है। और महिला के बच्चों को भी ऐसे बहुत सारे अधिकार दिए गए, अगर उनका विवाह नहीं हुआ है, अगर वो गलत तरीके से अपनी पत्नी को अपने साथ रखा है, तो उसके बच्चे को पूरी संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। जैसे कोई दत्तक है, फॉर एग्जांपल कोई दत्तक बच्चा है, कोई आपका नाजायज़ बच्चा है, सरोगेसी बच्चा है, या कोई टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है, उन लोग के आपसी संबंध से कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उस बच्चे को पूरी संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा और वो बच्चा जो है उससे भरण पोषण भी उसके ब्याह पे उसकी माँ ले सकती है। अब यूसीसी ने जो नेक्स्ट महिला को अधिकार दिया है, 14वां महिला अधिकार है कि उनको जो है महिला जो
UCC हमारे भारत में देखिए समान नागरिक संहिता किसी राज्य में लागू कर दिया गया है, वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा भारत का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। अब समान नागरिक संहिता क्या है, इसे इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, मैं फिर से आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि जब से ये अधिनियम लागू किया गया है उत्तराखंड में उसका प्रभाव आप लोग को तो पता ही है। लेकिन समान नागरिक संहिता जो है हमारे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऐसा नियम बनाया है कि हमारे भारत के जितने नागरिक हैं उनके उनके लिए समान कानून नियम बनाए गए हैं। किसी भी जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, समुदाय के कोई भी वर्ग के लोग हैं, सबको एक नियम कानून के अनुसार उनको अधिकार दिया गया है। उदाहरण के तौर पर जो हमारे राज्य उत्तराखंड में जो विधेयक के द्वारा पारित किया गया है, उस अधिनियम में 392 सेक्शंस हैं जिसमें से महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा अधिकार दिया गया है। महिलाओं को जो इसके 392 सेक्शंस में से 328 सेक्शंस सिर्फ महिलाओं के अधिकार की ही बात की गई, महिलाओं को अधिकार के साथ उनको संरक्षण भी प्रदान किया गया। इस विधेयक को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है विवाह से संबंधित अधिकार है, नियम कानून बनाए गए विवाह। सेकेंड जो दूसरा खंड बना हुआ है, दूसरा पार्ट है जो है विवाह विच्छेदन से संबंधित, उसमें प्रोविजन दिए गए हैं। थर्ड आपका उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए। चौथा जो है सहवासी, जो वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप, जो हमारा एक नया मुद्दा आया है लिव इन रिलेशन पर, अभी तक कोई नियम कानून नहीं बना था लेकिन हमारे जो समान नागरिक संहिता में लिव इन रिलेशन से संबंधित थी इसमें नियम कानून बनाए गए हैं। और लागू होने के बाद इसमें धार्मिक स्वतंत्रता पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इसमें कानून बना दिए गए हैं महिलाओं से संबंधित बहुत नए ऐसे कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं को एक नया अधिकार दिया गया। UCC के बाद महिलाओं को नए अधिकार दिए गए हैं, वो कौन से अधिकार हैं मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वो अधिकार पहले